हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग अपनी जगह पे ठीक होंगे, कोरोना से बच रहे होंगे, मास्क लगा रहे होंगे और सैनिटाइज कर रहे होंगे अपना को। अच्छा, डाइट भी अच्छी लेते हैं ना? ये थोड़ी सी ऐसी बातें हैं जो आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करने वाले हैं मिंत्रा हॉल के बारे में। मिंत्रा हॉल में आई एक्चुअली हैव पोस्टेड अ वेरी ट्राई ऑन हॉल ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी, बट दैट वॉज नॉट अ डिटेल्ड वन। इन दिस वीडियो ऑफ माई यूट्यूब आई विल बी टॉकिंग अबाउट द क्लोथ्स दैट आई बॉट फ्रॉम मिंत्रा एंड द स्टफ दैट आई रिसीव्ड, एंड आई विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दैट विल आई बी बाइंग द सेम प्रोडक्ट, लाइक नॉट द सेम प्रोडक्ट बट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेम ब्रांड अगेन इन फ्यूचर और नॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल एक ऑनेस्ट रिव्यू होगा, मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सारी ऑनेस्ट रिव्यू होंगी। इसमें कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है किसी भी ब्रांड की या किसी भी ऐप की। सो आई होप आपको पसंद आएगी। और हमने देखा है कि हम थोड़ा रिलक्टेंट होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने में, बट पता लगाते हैं कि हम क्यों रिलक्टेंट होते हैं एंड वाई वी हेल्ड आर सेल्व्स बैक एंड नॉट बाय द थिंग्स फ्रॉम द ऑनलाइन एप्लीकेशंस, हाउ वर द प्रोडक्ट्स आर रियली गुड। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई बॉट फ्रॉम मिंत्रा वॉज दिस वन। दिस इज़ अ लोअर। दिस वॉज फ्रॉम द ब्रांड टोक्यो टॉकीज एंड द स्टफ ऑफ दिस प्रोडक्ट इज सो गुड। आई हैव एक्चुअली हाउएवर यू कैन नॉट वियर इट इन समर्स बिकॉज द स्टफ इज अ लिटिल हैवी, बिकॉज एंड यू विल योर स्किन वॉन्ट ब्रीथ इफ यू वियर इट इन समर्स। सो दिस इज फॉर विंटर वेयर फैशन और वेन लाइक थोड़ा सा कम गर्मी होती है जब जब पहन सकते हैं आप इसको। अच्छा स्टफ था, बहुत अच्छा स्टफ था, बहुत रीजनेबल प्राइस था, तो मेरे को अच्छा लगा एंड आई विल डेफिनेटली गोइंग टू बाई प्रोडक्ट्स फ्रॉम टोक्यो टॉकीज। हालांकि मैंने किया है सेकेंड प्रोडक्ट फ्रॉम टोक्यो टॉकीज इज दिस वन। दिस इज अ जीन्स। द प्रोडक्ट इज सो गुड मैन एंड द फिटिंग इज सो परफेक्ट, लाइक एकदम परफेक्ट फिटिंग आई थी मुझे इस जीन्स की। बहुत अच्छी जीन्स थी ये। दिस इज द होल जीन्स एंड द कलर इज सो गुड। कलर बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपका क्लोथ ख़राब हो जाएगा। आप मैंने इसको बहुत बार वॉश कर लिया है बट स्टफ अभी भी ऐसा है, एकदम बढ़िया लगती है ये जीन्स बहुत मुझे। उसके बाद बात करते हैं हम थर्ड प्रोडक्ट की। दिस इज़ द जीन्स फ्रॉम रोडस्टर एंड द जीन्स वॉज सो गुड, द स्टफ वॉज फाइन। बहुत बार मैंने इसको, इसकी भी फिटिंग बहुत अच्छी थी। मेरे को लगता है कि रोडस्टर के कपड़े काफ़ी अच्छे होते हैं। रोडस्टर की मैंने वो भी ख़रीदा था, एक लोअर ख़रीदा था विच आई डोंट हैव राइट नाउ, बट उसका भी स्टफ बहुत अच्छा था। तो आई एम डेफिनेटली वन बाय दिस ब्रांड अगेन। नाउ द फोर्थ प्रोडक्ट इज दिस वन। दिस इज अ मैक्सी ड्रेस। सो गाइस, प्रोडक्ट इज सो ब्यूटीफुल। एक्चुअली ये बहुत कॉटन का है और ये बहुत ज़्यादा डिसेंट लगता है। आप किसी भी इसको छोटे से फंक्शन में डाल सकते हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं तो इसको स्टाइल कर सकते हैं। मैंने इसको बहुत डिफरेंट वेज में स्टाइल किया था, मैंने वीडियो भी डाली हुई है यूट्यूब पर, अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लेना। और इसको आप इवन मैंने इसको विंटर फैशन में स्टाइल किया था, लाइक ये समर की कुर्ती है, कॉटन है, अदरवाइज हाउ दैट यू कैन वियर इट इन विंटर एज वेल। सो बस स्टाइल करने की दिक्कत होती है, बाकी तो सब हो जाता है ठीक है। अब इसके बाद अभी मैंने रिसेंटली में ये बाय किया था और ये बहुत अच्छा है। मेरी काफ़ी फोटोज़ हैं इसमें, मैंने पोस्ट भी किए हैं इंस्टाग्राम पे इन डिफरेंट स्टाइलिंग पैटर्न्स। दिस इज़ फ्रॉम सास्पेरास, दिस इज़ द ब्रांड एंड दिस इज़ अ लॉन्ग श्रग। यू कैन वेयर इट एज अ श्रग, यू कैन वेयर इट एज अ कुर्ता, लॉन्ग कुर्ता, और यू कैन लाइक लिटरली यू कैन ट्राई दिस वन एज ऑन योर, इट गोज वेल विद योर एथनिक ड्रेस, इन विद योर वेस्टर्न ड्रेस। आई एक्चुअली प्रेफर बाइंग सम क्लोथ्स विच आई कैन स्टाइल इन मल्टीपल वेज, बिकॉज आप एक कपड़े को एक बार सेम तरीके से पहनेंगे तो वो बहुत बोरिंग हो जाता है। तो इसलिए ऐसी कुछ चीज़ खरीदिए जो आप डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका आपकी क्रिएटिविटी बाहर आएगी। कुछ वो प्रोडक्ट आपको दूर किसी और को लगेगा ही नहीं कि आपने सेम प्रोडक्ट पहना हुआ है, कुछ डिफरेंट उसमें एक फील आएगी। तो ज़रूर ऐसी चीज़ें ज़रूर खरीदा कीजिए। जी, अब हमने बात कर ली है इन प्रोडक्ट्स की, अब हम लास्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। दिस इज़ द वन, दिस इज़ अ कुर्ता सेट, दिस इज़ द दुपट्टा, कुर्ता एंड पजामा, दिस इज़ अ प्लाजो, नॉट अ पजामा।
प्लाजो, दिस वन इज फ्रॉम द ब्रांड युफ्ता, हाँ। तो ये ब्रांड मेरे को अच्छा लगा, प्रोडक्ट क्लोथ काफ़ी अच्छा है, कॉटन थोड़ा जॉर्जेट है, इसका दुपट्टा जॉर्जेट में है, इसका जो प्लाजो है और जो कुर्ता है वो कॉटन में है, स्टफ अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाउ एवर इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा पतला है, मतलब आप समर में आप इसको आसानी से वेयर तो कर सकते हैं, बट स्टिल अगर इसके नीचे लाइक एक पतली सी लाइनिंग होती तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। तो हो सकता है कि इस ब्रांड के कपड़े मैं आगे ज़्यादा बाय ना करूँ, अदरवाइज टू ब्रांड्स दैट आई एम श्योरली गोना बाय द प्रोडक्ट्स फ्रॉम आर टोक्यो टॉकीज एंड सास्पराज। सास्पराज इज अ वेरी वेरी गुड ब्रांड एंड इट इज अ ग्रोइंग ब्रांड, सो आई थिंक एंड द प्रोडक्ट्स आर वेरी रीजनेबल। लाइक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमें प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं जो क्वालिटी में भी अच्छे हों और जो रीजनेबल हों, अदरवाइज आप कितने भी महंगे प्रोडक्ट्स खरीद लो उतना उनका इतना फ़ायदा नहीं होता। मोरोवर इतने ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने का कोई यूज़ नहीं होता है, मेरे को पर्सनली कोई इतना वो नहीं लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉस्टली क्लोथ्स पहन रहे हैं। वट मैटर्स इज़ कि आपका कपड़ा अच्छा लगना चाहिए और रीजनेबल प्राइस का होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जिसको आप आराम से कंफर्टेबली वियर कर सके, कंफर्टेबली कैरी कर सके। सो गाइस दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो, हमने बात की थी कुछ कुछ अच्छे क्लोथ्स की, विच आई हैव बॉट फ्रॉम मिंत्रा, एंड द क्लोथ्स ऑन मिंत्रा आर वेरी रीजनेबल इन कॉस्ट एंड द स्टाफ आर सो गुड, सो आई थिंक यू कुड ट्राई बाइंग फ्रॉम देयर। और सबसे बड़ी बात है कि हम थोड़ा रिलक्टेंट हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन शॉपिंग, हाउ वेल ऑनलाइन शॉपिंग इज़ द फ्यूचर गाइस, दिस इज़ व्हाट आई पर्सनल थिंक, बिकॉज आपको इतनी सारी वेराइटीज़ मिल जाती हैं, इतने सारे पैटर्न्स मिल जाते हैं, मतलब आप कितना भी स्क्रॉल कर लो इतना कन्फ्यूजन हो जाता है कपड़े सिलेक्ट करने में। अदरवाइज व्हेन यू गो टू आर शॉप यू माइट फाइंड सम पर्टिकुलर लाइक पैटर्न्स एंड सम क्लोथ्स टू बाय फ्रॉम, बट ऑनलाइन आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं एंड ट्रस्ट मी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, अदरवाइज यू हैव ऑलवेज हैव अ ऑप्शन टू रिटर्न और एक्सचेंज योर प्रोडक्ट, सो आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई इफ यू हैवंट येट। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिकॉज आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अनदर हॉल वीडियो ऑफ माई फ्लिपकार्ट हॉल, बिकॉज आई हैव बॉट सो मनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फ्लिपकार्ट एज वेल, सो आई थिंक आई शुड डू अ हॉल ऑन दैट वन एज वेल। सो चलो मिलते हैं अगली बार, आपको पता है बाकी आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना यार, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट दे कैन बाय फ्रॉम द एप्लीकेशन टू एंड लाइक दिस वीडियो, चलो बाय।